हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज एलकी शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस केमिस्ट्री इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम डेली रूटीन में जो चीजें यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस है। कैसे? यानी टेलीविजन का जो रिमोट होता है उसके अंदर जो सेल यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस है। और उसके अलावा हम कहेंगे कि जो रिस्ट वॉच होती है या वॉच कह लें, उसके अलावा इन्वर्टर कह लें या सब मरीन्स के अंदर जो जो सेल यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और एक डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में हम ये कहेंगे कि इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इट डील्स विद द रिएक्शन बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल एनर्जी। तो देखते हैं हम इसमें, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिएगा सबसे पहले, इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल एनर्जी। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये क्या होता है? इसमें हम ये कहेंगे ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और फिर से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मींस इट इज द सिस्टम विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, हम देखते हैं इसमें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल एंड नेक्स्ट इज गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो टू टाइप्स के होता है, टू टाइप्स के होते हैं। एक कह लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, दूसरा गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल मींस आप ये कहेंगे इसमें ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। अब जस्ट इसका इसमें उल्टा कर दीजिएगा, इसमें कहिए कि ये क्या करेगा, ये केमिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे सेल को हम कहेंगे गैल्वेनिक सेल, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इसमें इसमें कैथोड जो होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा नेगेटिव होगा, और एनोड जो होगा वो ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। इसमें सेकंड पॉइंट में हम ये कहेंगे इसमें कैथोड जो होगा वो ऑलवेज बी पॉजिटिव, और एनोड जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जस्ट अपोज है एक दूसरे का। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये हमने कहा, हमने यहां पर ले लिया, ये हमने मान लिया, ये वाटर हमने ले लिया, ये वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर में हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक एनोड हो गया और ये दूसरा जो हो गया वो कैथोड हो गया। और जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो हमें पता है कि H2 प्लस हाफ O2 बनता है, ठीक है। यानी इस प्रोसेस को करने के लिए, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम बाहर से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यानी इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तब जो है H2O वो इलेक्ट्रोलाइज होगा और H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या है, H2O की इलेक्ट्रोलिसिस जो है एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस जो है वो अपने आप नहीं हो रहा है। जो प्रोसेस अपने आप होते हैं उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो अपने आप नहीं होते हैं उसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स हम इसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तब ये जो है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तब ये H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसको कैरिड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तीसरा पॉइंट है इसका। अब इसमें देखिएगा तीसरा पॉइंट, इसमें द एनर्जी इज जनरेटेड बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा जो अपने आप होगा, और वो एक केमिकल एनर्जी को जनरेट करेगा, और केमिकल एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। यानी इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक एनर्जी जनरेट हो रही है, किसके द्वारा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू, और वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये डिफरेंसेस हो गए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल और गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल में। तो ये डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, और इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, और इसके बारे में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो इतनी चीज आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें
अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर फर्स्ट जो है गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल को। तो देखिएगा इसमें सबसे पहली चीज आपको ये मालूम होना चाहिए इसमें कैथोड ये क्या होता है, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, यानी जहां रिडक्शन होगा उसे हम कैथोड कहेंगे और जहां ऑक्सीडेशन होगा, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो जो है एनोड कहलाएगा। अब इसका फिगर देखिएगा, एक इसमें देखिए दो इलेक्ट्रोड है और इसमें हमने ये माना है ये जिंक की रॉड है और इसे हमने क्या किया, इसे हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया। उसी तरह से हम क्या करते हैं, ये कॉपर की रॉड को लेते हैं और इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज है ये सॉल्ट ब्रिज है, इसको हमने लगा दिया और इस ब्रिज में आप देख रहे हैं ये ब्रिज जो है सॉल्ट ब्रिज जो है यू शेप की एक ट्यूब है और इसके अंदर हम कहेंगे या तो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा या पोटेशियम नाइट्रेट का या अमोनियम क्लोराइड का इसके अंदर सॉल्यूशन भरा होगा जिसे हम कहेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इसे हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, ये वायर हो गया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अब जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो करंट जो है वो हम ये कहेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे, वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको। हमने क्या किया, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया और इन सॉल्यूशन को जो है सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो ये हमारा पूरा गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल बन गया। अब हम कहेंगे इस सेल का, इस पूरे सेल का एक हाफ सेल होगा जिसे हम कहेंगे ZN, ZnSO4 या इसे हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड, वो ये रहा। और ऐसे ही हम कहेंगे ये दूसरा हाफ सेल हो जाएगा इसका, ये कॉपर कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोड या इसे हम कहेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
और इन हाफ सेल्स को जब जोड़ते हैं सॉल्ट ब्रिज से तो ये हम कहेंगे नेट सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए होगा क्या, यहां पर जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगा। जब हमने इन इलेक्ट्रोड्स को किसी वायर से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगा। तो होगा क्या, यहां पर ये जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड यानी ये जिंक की रॉड क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, और अपने इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगी ये जिंक की रॉड है, और जिंक की रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और रिलीज किए और ये Zn प्लस टू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी ये जिंक की रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, रिलीज करने के बाद Zn प्लस टू के फॉर्म में ये सोल्यूशन में जाने लग गया और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां जनरेट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जनरेट हो रहे हैं। तो आप ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया, हम ये कहेंगे ये प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का, यानी आप ये कह सकते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये आप ये कहेंगे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहां होता है, अभी आपको बताया कहां हो रहा है, एनोड पर हो रहा है, तो ये एनोड हो गया आपका। ठीक है, और एनोड पर हमेशा ध्यान रखिएगा यहां कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहां पर आप ये कहेंगे एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर Zn की रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और Zn प्लस टू के फॉर्म में ये सोल्यूशन में चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से यहां मूव कर रहे हैं, यानी एनोड से क्या हो जाएंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ये क्या हो गया, ये कैथोड हो गया, जब एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैथोड हो गया। इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव कर रहे हैं, अब होगा क्या, यहां पर ये यहां पर जो Cu प्लस टू आयन है, यहां पर जो Cu प्लस टू आयन है वो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और Cu के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस कहां होगा, कैथोड पर होगा। ये Cu प्लस टू आयन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर के फॉर्म में जो है वो क्या हो जाएंगे, यहां डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, ये हम कहेंगे क्या कहलाएगा, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये हाफ हाफ सेल पर हो रही है इसलिए हम इनको ये रिएक्शंस कह रहे हैं। क्लियर, इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए इसमें। अब होगा क्या, देखिए अब आगे क्या होगा, अब हम ये कहेंगे यहां पर ही देखिए ये जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट की सोल्यूशन में डिप किया। अब ये जिंक की रॉड जो होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो नेगेटिव होती है, अब जिंक की रॉड जो है नेगेटिव है। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ जो है वो पॉजिटिव आयन आकर के कवरिंग कर लेंगे, इसके चारों तरफ पॉजिटिव आयन आकर के कवरिंग कर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहां पर हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ऐसे ही सेम एज यहां पर होगा, यानी ये नेगेटिव जिंक की रॉड है और इसके चारों तरफ जो है वो पॉजिटिव आयन्स आकर के कवरिंग कर लेंगे, जिसके जिसके कारण हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ऐसे ही सेम यहां पर ये कॉपर की रॉड है, ये पॉजिटिव रॉड होगी और इसके चारों तरफ जो है हम ये कहेंगे ये कॉपर की रॉड है और इसके चारों तरफ जो है वो सल्फेट आयन आकर के कवरिंग कर लेंगे, और जब कवरिंग कर लेंगे तो डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण ही करंट फ्लो करेगा, करंट जो है वो फ्लो करेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये करंट जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो के जस्ट अपोज में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है, तो करंट का फ्लो जो होगा वो कैथोड से एनोड की ओर होगा।
और यहां पर हम ये कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी दो इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे हम ईएमएफ भी कहते हैं या इसे हम कहते हैं ई सेल। और ये क्या होगा, ई कैथोड, ई एनोड, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर होगी, ये आपको मालूम होनी चाहिए। सुन लीजिएगा एक बार फिर से, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, और इन सॉल्यूशन को जो है हमने एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। अभी सॉल्ट ब्रिज के बारे में बता देंगे। सॉल्ट ब्रिज यानी आप ये कहेंगे एक यू शेप की ट्यूब है और इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है जो हो सकता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। और जब हमने इससे दो सॉल्यूशंस को इससे कनेक्ट कर दिया तो ये पूरा का पूरा नेट सेल बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसे आप ये कह सकते हैं ये जो है ये पूरा का पूरा, ये आप ये कहेंगे ये पूरा जो है इसे आप कह लीजिए ये हो गया इंटरनल सर्किट, कह लीजिए इसे इंटरनल सर्किट, ये इंटरनल सर्किट हो गया। और ये आप कह सकते हैं ये एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट हो गया। तो जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया और इन सॉल्यूशंस को जो है सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। ये यू शेप ट्यूब है और इसके अंदर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। अब हम ये कहेंगे जब इन इलेक्ट्रोड को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है, ठीक है। अब होगा क्या, जिंक की जो रॉड है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लग जाएगी और इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगी तो Zn+2 आयंस जो है सोल्यूशन में जाने लग जाएंगे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए तो ये एनोड बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हुए तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहते हैं और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहां होता है, एनोड पर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड से कहां जा रहे हैं, कैथोड की ओर जा रहे हैं। अब ये कैथोड पर Cu+2 आयन्स, यहां पर Cu+2 आयन इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा और कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसने गेन किए, यानी ये प्रोसेस जो हो गया हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो ये एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्लियर। अब हो क्या रहा है इसमें, ये Zn की रॉड जो है वो नेगेटिव रॉड है, इसके चारों तरफ पॉजिटिव आयन्स आ जाएंगे, ये पॉजिटिव रॉड है और इसके चारों तरफ नेगेटिव आयन सल्फेट आयन आ जाएंगे। इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसे हम ई सेल भी कहते हैं, वो ये हो गया। तो इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए इस सेल के बारे में। अब देखिए इसको अगर हम इन रिएक्शन को अगर हम ऐड करना चाहें तो हम यही तो कहेंगे, देखिए नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, आप यही तो कहेंगे। यहां से ये इलेक्ट्रॉन सिमिलर है इसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी जोड़ दीजिए Zn(S) सॉलिड Cu+2 एक्वस, ये हो गया हमारा Zn+2 एक्वस और ये Cu, ये सॉलिड, ये पूरी सेल के अंदर ये रिएक्शन होगी और ये आपको मालूम होनी चाहिए। आप इस पूरे सेल को एक रिएक्शन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, Zn ये नेगेटिव रॉड है अभी बताया था आपको, और ये Zn SO4 का सोल्यूशन है वो एक्वस है,
इसको हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया और दूसरी तरफ क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर की रॉड क्या होती है, पॉजिटिव। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं Zn, Zn प्लस टू एक्वस Cu प्लस टू एक्वस और ये Cu। आप इस पूरे सेल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये पूरा सेल हो गया, ठीक है। तो इस सेल के बारे में आपको इतनी चीजें मालूम होनी चाहिए और ये भी ध्यान होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं ये इंटरनल सर्किट है और ये जो वायर कनेक्ट है या कहेंगे एक्सटर्नल सर्किट हो गया है। इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखिए इसमें आगे, अब इसमें एक दो चीजें और देख लीजिएगा। यहां पर एक टर्म आया है सॉल्ट ब्रिज, वो देखिए सॉल्ट ब्रिज है क्या चीज, वो देख लीजिएगा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें, सॉल्ट ब्रिज है क्या, सॉल्ट ब्रिज इट इज यू शेप्ड ट्यूब विच कंटेन्स अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ जेल लाइक मिक्सचर। जैसे अगर हम कहना चाहें अगर अगर का जो सोल्यूशन होता है वो जेल लाइक होता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। सॉल्ट ब्रिज मींस इट इज अ यू शेप ट्यूब विच कंटेन्स अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ जेल लाइक मिक्सचर, यानी इसके अंदर जेल लाइक मिक्सचर भरा हुआ है। अब इसका फंक्शन क्या होगा ये ध्यान रखिएगा, फंक्शन क्या होता है इसका सॉल्ट ब्रिज का। सबसे पहला, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। तो ये पहला पॉइंट हो गया, यानी इस ये जो है इंटरनल सर्किट को पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहा है। जब इसको इन सॉल्यूशंस को जब सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे तो ये इंटरनल सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट बाय अपोजिटिवली टू आयंस। यानी हम ये कहेंगे कि ये कर क्या रहा है यहां पर, जैसे हम ये कहेंगे यहां से सबसे पहले, यानी आप Zn ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए Zn प्लस टू के फॉर्म में, ये सोल्यूशन में जाने लग गया। तो हम ये कहेंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाते हैं तो ये जो है वो एनोड हो जाएगा, यानी यहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया। अब इंक्रीज किया तो हम ये कहेंगे इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, इसमें से यहां से के प्लस या पोटेशियम आयन जो आकर के यहां से इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, इससे रिएक्ट कर लेते हैं, जिससे इसकी न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहती है।
ऐसे ही हम कहेंगे यहां पर अगर पॉजिटिव आयंस इंक्रीज करेंगे तो उसकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए यहां से सीएल माइनस आयन जो है इसके पास आ जाएंगे, जिससे क्या होगा ये जो पूरा का पूरा सेल है वो न्यूट्रलाइज रहेगा। इतनी चीज आपको आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, इट प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन टू इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग, यानी ये हम कहेंगे दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग होने से भी ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो एक तरह से प्रिवेंट करता है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। और उसके अलावा आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में मालूम होना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, ठीक है। इतनी चीज आपको आनी चाहिए इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में। अब देखिए इसमें एक टर्म और आया है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, उसके बारे में आपको बता दें जो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर है, ठीक है। देखिए इसमें न्यूट्रलिटी के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिविटी जो हो जाएगी वो इंक्रीज करेगी, और नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन आ जाएंगे जिससे न्यूट्रलिटी बन जाएगी। ऐसे ही अगर यहां पर पॉजिटिव आयन इंक्रीज करते हैं तो यहां पर सीएल माइनस आ जाएंगे जिससे जो हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक और टर्म है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या है ये ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट पार्टिसिपेट सिपेट इन द सेल रिएक्शन, ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है सेल रिएक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज द स्पीड ऑफ आयंस, यानी पॉजिटिव कह लीजिए और नेगेटिव आयंस शुड बी सेम सेम, यानी ये इसका फंक्शन है। अगर यहां पर हम कहेंगे जितने Cl- आयन आकर के इससे रिएक्ट करेंगे उतने ही यहां से K+ या पोटेशियम आयन जाएंगे, और ये रेशियो जो रहेगा वो सेम रहेगा, कभी भी अलग नहीं रहेगा। ये नहीं होगा कि Cl- आयन जो है वो मैक्सिमम आ जाए, तो ये जो है हम कहेंगे सेल जो हो जाएगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आप ये कहेंगे ये रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट ना करें, ठीक है। इस चीज को भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें रिएक्शंस देखिएगा, कुछ रिएक्शंस भी है वो भी देख लीजिएगा। जैसे ये देखिए यहां पर हम ले लेते हैं पहले Zn SO4 एक्वस, और यहां हमने ले लिया HG एक्वस हो गया, और ये ले लिया HG, ठीक है। अब हमें इसकी सेल रिएक्शन करानी है, वो हम कैसे कराएंगे ये देखिएगा। सबसे पहली चीज आप ये माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा एनोड रहेगा, और एनोड जो होता है वो ऑलवेज बी नेगेटिव,
और रेगेटी का मतलब इस पर क्या होगा, इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो इस पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन होगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन लिखिएगा एनोड पर, देखिए एनोड पर क्या होगा, Zn सॉलिड फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, ये Hg एक्वस हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और ये Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg जो है यहां पर लिक्विड हो जाएगा, क्लियर। ये रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। अब इन रिएक्शंस को जोड़ दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन सिमिलर है कैंसिल कर दीजिए, नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, Zn S प्लस Hg एक्वस गिव्स आउट Zn प्लस 2 एक्वस और Hg लिक्विड, ये नेट रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ये सेल रिएक्शन है, इस तरह से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सेल रिएक्शन बना सकते हैं। एक और देख लीजिएगा, ये प्लेटिनम है, ये हाइड्रोजन गैस है और ये H प्लस आयन में ऑक्सीडाइज हो रही है, ऐसे ही हम कहेंगे यहां पर सीडी ले लेते हैं कैडमियम और ये हो गया एक्वस, ये हो गया सीडी। बस माइंड में तुरंत सेट हो जाना चाहिए कि जो लेफ्ट में होगा वो एनोड होगा, वो नेगेटिव होगा, जो राइट में होगा वो कैथोड होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अब इसकी सेल रिएक्शन कैसे बनेगी, तो आप ये कहेंगे एनोड पर क्या होगा पीटी, ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, इसलिए हम प्लेटिनम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो इसको एनोड बनाएगा। अब ऐसे ही देख लीजिए, ये हाइड्रोजन गैस है, अब क्या होगा इसमें, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब कैथोड पर क्या होगा, ये है हमारा कैडमियम, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये सीडी में कन्वर्ट हो जा रहा है सॉलिड फॉर्म में, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब इन रिएक्शंस को जोड़ दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन सिमिलर है कैंसिल कर दीजिए, क्या होगा देखिए, पीटी एच टू गैस सीडी प्लस टू एक्वस, ठीक है, और ये हो गया टू एच एक्वस प्लस सीडी। ये ध्यान ये रखिएगा कि पीटी जो है ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट आप ये कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट होगा जो रिएक्ट नहीं करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस है और इसमें गैस में हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, इसलिए हम प्लेटिनम का यूज करते हैं। तो इतनी चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।